नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। ब्लूटूथ का नाम आप सभी जानते होंगे। ये हमारे सिस्टम के हर हिस्से में शामिल हो चुका है। मोबाइल फोन हो, ईयरफोन हो या फिर चप्पल हो। जी हाँ दोस्तों, अक्सर परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को ब्लूटूथ के सहारे नकल करते हुए पकड़े जाने की खबर आया करती है। लेकिन ये किसे पता था, नकल करने के लिए परीक्षार्थी अब लाखों रुपए खर्च करके अपने चप्पल में ही ब्लूटूथ फिट करवा लेंगे। दरअसल राजस्थान में शिक्षकों की नौकरी के लिए जरूरी राजस्थान पात्रता परीक्षा हो रही थी, लेकिन ये किसे पता था कि कुछ नकलची परीक्षार्थी नकल करने हेतु अपने चप्पल में ब्लूटूथ डिवाइस फिट करा रखा है। कुछ परीक्षार्थियों ने तो इस चप्पल के लिए 6 लाख रुपए तक चुकाए हैं। प्रशासन की पुख्ता इंतजाम के बावजूद नकलची ब्लूटूथ डिवाइस केंद्र के अंदर ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि राजस्थान पुलिस ने REET के परीक्षा के दौरान ब्लूटूथ वाले नकलचियों को गिरफ्तार कर लिया है। अजमेर के किशनगढ़ में एक परीक्षार्थी अपने चप्पल के अंदर ब्लूटूथ छिपा परीक्षा केंद्र के अंदर ले गया था, लेकिन इससे पहले कि वो परीक्षा में बैठता पुलिस ने उसे पकड़ लिया और जांच कर रही है। अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक ने सभी आवेदकों को परीक्षा केंद्र से 200 मीटर दूर चप्पल उतारकर परीक्षा केंद्रों के अंदर प्रवेश करने को कहा है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित यह परीक्षा 33 जिलों के 3,993 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के लिए 16.51 लाख परीक्षार्थियों ने आवेदन भरा था। आपको बता दूं कि ब्लूटूथ चप्पल वाले 5 परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया गया है। बताते चलें कि नकल को रोकने के लिए इंटरनेट सेवा भी बंद कर दिए गए थे। मिली जानकारी के अनुसार नकलचियों को सहायता करने और नकल को बढ़ावा देने के आरोप में 2 हेड कांस्टेबल और 1 कांस्टेबल को भी निलंबित किया गया है। बीकानेर की पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा का कहना है कि गंगा सागर थाना क्षेत्र से नकल के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि चप्पल में लगे ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए नकल करने की कोशिश कर रहे थे। आगे भी देश दुनिया की खबरें दिखाएगी आपको द लोकल जर्नलिस्ट। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए द लोकल जर्नलिस्ट।